तो हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। हीरो इंडियन सुपर लीग सीजन 10 में हमें कुल 12 टीमें खेलती हुई नजर आएंगी। बट दोस्तों, क्या आप सब जानते हैं इन 12 टीमों के मालिक कौन है और इन सभी टीमों को चलाने वाले ओनर कौन कौन हैं? तो दोस्तों, नहीं जानते तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ISL सीजन 10 में खेलने वाले सभी 12 टीमों के ओनर और चेयरमैन के बारे में फुल डिटेल के साथ जानेंगे। तो दोस्तों, ISL के सभी 12 टीमों के ओनर्स के बारे में जानने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आइए दोस्तों, उन सभी ओनर्स के बारे में शुरू से फुल डिटेल के साथ जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं जमशेदपुर FC टीम के ओनर के बारे में। तो दोस्तों, जमशेदपुर FC टीम के ओनर हैं टाटा स्टील कंपनी। और दोस्तों, टाटा स्टील कंपनी का CEO अभी है चाणक्य चौधरी, वही दोस्तों जमशेदपुर FC टीम के ओनर हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं केरला ब्लास्टर्स FC टीम के ओनर के बारे में। तो दोस्तों, केरला ब्लास्टर्स FC टीम का ओनरशिप है मैग्नम स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसका CEO है दोस्तों अनिल येरेमा रेड्डी। और दोस्तों, इस कंपनी को अभी निखिल भारद्वाज चला रहे हैं। और दोस्तों, निखिल भारद्वाज ही अभी केरला ब्लास्टर्स FC टीम के ओनर हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं मोहन बगान सुपर जायंट्स FC टीम के ओनर के बारे में। तो दोस्तों, मोहन बगान सुपर जायंट्स FC टीम को दो ओनर मिलकर चलाते हैं, जिनमें से है दोस्तों RP संजीव गोयंगा ग्रुप 80% के हकदार हैं। वहीं दोस्तों, मोहन बगान फुटबॉल क्लब PVTLTD के पास 20% के हकदार हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं ओडिशा FC टीम के ओनर के बारे में। तो दोस्तों, ओडिशा FC टीम के ओनर हैं GMS लीडरशिप कंपनी। और दोस्तों, इस कंपनी के अभी CEO हैं डॉक्टर अनिल शर्मा। और दोस्तों, अनिल शर्मा ही ओडिशा FC टीम के ओनर भी हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें बेंगलुरु FC टीम के ओनर के बारे में, तो दोस्तों बेंगलुरु FC टीम की ओनरशिप JSW ग्रुप के पास है। और दोस्तों, JSW ग्रुप का चेयरमैन अभी सज्जन जिंदल है। और दोस्तों, सज्जन जिंदल ही बेंगलुरु FC टीम के ओनर भी हैं। तो दोस्तों, अब जानेंगे हैदराबाद FC टीम के ओनर्स के बारे में। तो दोस्तों, हैदराबाद FC टीम को तीन ओनर्स मिलकर चलाते हैं, जिनमें से दोस्तों पहला ओनर है विजय माधुरी, दूसरा ओनर है दोस्तों वरुण तिरुपुरनानी, और दोस्तों तीसरा ओनर है राणा दगुबती। तो दोस्तों, अब जानते हैं चेन्नई FC टीम के सभी ओनर्स के बारे में। तो दोस्तों, चेन्नई FC टीम को भी तीन ओनर्स मिलकर चलाते हैं, जिनमें से दोस्तों इस टीम का पहला ओनर है दोस्तों अभिषेक बच्चन, दूसरा ओनर है दोस्तों MS धोनी, और दोस्तों तीसरा ओनर है विता धानी। तो दोस्तों, अब जानते हैं इमामी ईस्ट बंगाल FC टीम के ओनर के बारे में। तो दोस्तों, इमामी ईस्ट बंगाल FC टीम के दो ओनर हैं, जिसमें दोस्तों इमामी ग्रुप 77% के मालिक हैं। वहीं दोस्तों, ईस्ट बंगाल PVTLTD 23% के मालिक हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं मुंबई सिटी FC टीम के ओनर्स के बारे में। तो दोस्तों, मुंबई सिटी FC टीम को तीन ओनर्स मिलकर चलाते हैं, जिनमें से दोस्तों सिटी फुटबॉल ग्रुप जो मुंबई सिटी FC टीम के 65% के हकदार हैं, वहीं दोस्तों रणबीर कपूर 18% के हकदार हैं, और दोस्तों विमल पारेख 17% के हकदार हैं। तो दोस्तों, अब बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC टीम के ओनर्स के बारे में। तो दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC टीम के दो ओनर हैं, जिनमें से है दोस्तों जोहन अब्राहम जो 95% नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC टीम के मालिक हैं। वहीं दोस्तों 5% जया बालन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के मालिक हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं FC गोवा टीम के ओनर्स के बारे में। तो दोस्तों, FC गोवा टीम को तीन ओनर्स मिलकर चलाते हैं, जिनमें से दोस्तों जयदेव मोदी इस टीम के 65% के मालिक हैं, अक्षय टंडन 23% के मालिक हैं, और दोस्तों विराट कोहली 12% के मालिक हैं। तो फाइनल दोस्तों, अब जानते हैं ISL सीजन 10 में खेलने वाली नई टीम पंजाब FC टीम के ओनर्स के बारे में। तो फाइनल दोस्तों, पंजाब FC टीम का ओनरशिप पंजाब फुटबॉल क्लब PVTLTD के पास है, और यही पंजाब FC का ओनर है। तो फाइनल दोस्तों, ये सभी हैं ISL सीजन 10 में खेलने वाले सभी 12 टीमों के मालिकों के और ओनर्सों की लिस्ट। वैसे दोस्तों, इन सभी ओनर्सों में से आपकी फेवरेट टीम का ओनर कौन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों, वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा के ऑल का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें।